आज हमारे जो मौजूद बहस रहेगा वो कंप्लेंट का टॉपिक होगा और इसको हम मौजूद बहस बनाएंगे और दौरान गुफ्तगू मैं इस बात को अप्रिशिएट करूंगा कि अगर आपको कोई बात जो है वो उसमें तिश्तगी महसूस हो तो उसकी निशानदेही कीजिए और ताकि मैं उसकी वजाहत कर सकूं। तो कंप्लेंट या जिसको हम उर्दू में इस्तगासा कहते हैं उसकी डेफिनेशन जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 जो है उसके सेक्शन 4H में दी गई है। उसके मुताबिक ये कि कंप्लेंट मींस द एलिगेशंस मेड ऑरली और इन राइटिंग टू ए मैजिस्ट्रेट। अब ये देखिए यहां पर वर्ड जो यूज हुआ है टू ए मैजिस्ट्रेट विद ए व्यू टू टेकिंग हिज एक्शन दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस। अब इसमें एक एक्सक्लूजन आ जाती है बट इट डज नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। ये देखिए कि हमारे जो लीगल सिस्टम है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में उसके तीन दरवाजे हैं। एक वो दरवाजा है जो जिसको इनिशिएट किया जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से और इन्वेस्टिगेशन की कंक्लूजन होती है रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर या 173 की रिपोर्ट जो है उस पर। और दूसरा वो हमारा चैनल है जो कि आज हमारा मौजूद बहस है जिसको कि हम कंप्लेंट कहती हैं या जिसको हम इस तरह सा है कि वो कोर्ट के सामने सबमिट किया जाता है। तीसरा जो हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनका सो मोटो अख्तियार कि अस खुद वो किसी मैटर का कॉग्निजेंस ले लें कि बिलफर्स वो कोर्ट में बैठे हुए हैं एक शख्स आकर कोर्ट में उधम मचा देता है एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है उसको इंटरप्ट करता है। तो ऐसी सूरत में अदालत के पास अख्तियार है कि वो सेक्शन 228 के तहत उसके अगेंस्ट वहीं पर समरी प्रोसीडिंग्स करे और समरी प्रोसीडिंग्स करने के बाद इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो उसको प्रोसेस करे और अगर वो शख्स जो है वो गिल्टी वो उसको समझती है तो उसको वहीं पे कन्विक्ट कर दे। दूसरा ये कि इसी तरह का कि कोर्ट जो है वो उसकी प्रोसीडिंग्स हो रही है और प्रोसीडिंग्स के दौरान कोर्ट ये समझती है कि ऑन बोथ जो एविडेंस हो रही है उसमें जो विटनेस है वो झूठ बोल रहा है तो सेक्शन 193 के तहत कोर्ट उसके अगेंस्ट प्रोसीड कर सकती है। और तीसरा जो है वो ये कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज करके उसको शहादत पे पेश कर दिया जाता है या फोर्ज डॉक्यूमेंट जो है उसको एस जर्मन कंसिडर करते हुए उसको शहादत में पेश कर दिया जाए। तो ये मुख्तलिफ चैनल्स हैं तीन जो मैंने आपको बताई हैं कि कॉग्निजेंस जो है वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट का वो
सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 जो है उसका वो डील करता है इसको कि ए उसका ये है कि अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स, सेकेंडली अपॉन द रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर विच शुड बी इन राइटिंग, और थर्डली ऑफ हिज ओन नॉलेज और सस्पिशन दैट सम ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। अब उसके बाद अगर वो कंप्लेंट जो है या वो पुलिस रिपोर्ट से ऐसा कोई ऑफेंस जो है वो बनता है विच इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोड ऑफ सेक्शन, तो सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 के तहत जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उसको सेंट अप कर देंगे टू द कोर्ट ऑफ सेशंस। और सेक्शन 193 सीआरपीसी जो है उसके तहत कोर्ट ऑफ सेशंस दोबारा उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेगी। अब सबसे पहली बात जो आपने देखनी है वो ये है कि हम लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं कि फलां कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, कोर्ट ऑफ सेशन ने कॉग्निजेंस ले लिया। ये कॉग्निजेंस है क्या? इस कॉग्निजेंस के लफ्ज के मायने क्या है? तो जब कोई कोर्ट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो हैं उन पर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करती है तो उसको हम कहते हैं कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, कि एप्लीकेशन ऑफ द जुडिशियल माइंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। आपके कौन वो क्या एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्या है? अब ये देखिए एक केस आ जाता है उनके सामने और उसमें ये लिखा होता है कंप्लेंट में कि जनाब वो फला शख्स है, उसने मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए थे और अब मैं उससे बार बार कह रहा हूं कि भी मेरे जो है वो वापस कर दो पैसे, वो वापस नहीं कर रहा। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जनाब उसने मुझे धोखा दिया और मेरे पैसे जो उसके पास थे वो अमानत के तौर पर थे, तो वो जनाब अब अमानत में खयानत कर दी। अब ये देखिए कि ये जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस मैंने आपको बताई हैं इनमें ना तो चीटिंग है, उसने आज खुद उसको उधार पैसे दिए और ना ही उसने वो अमानतन उसके पास लिखवाए हैं पैसे, बल्कि वो पैसे उसके पास उधार थे और वो पैसे उधार पैसे जो है वो वापस उसने जब मांगने थे उसको मिल जाने, और अगर उसने नहीं दिया तो अब ये एक लेन देन का झगड़ा जो है वो पैदा हो गया जिससे कोई क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो नहीं बनता। तो आपने सबसे पहले जो है वाइल अप्लाइंग द माइंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देखना है कि कोर्ट ने प्रॉपर माइंड अप्लाई किया उसमें या रूटीन में जो है वो अक्यूज्ड उनको समन कर लिया, ये पहला फैक्टर है। सेकेंडली ये कि वो जो ऑफेंस है वो ऑफेंस उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में भी आता है या नहीं। अगर बिलफर्स ये कि एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स को एक बारीक सी छड़ी से मार रहे हैं लेकिन वो जिस्म के ऐसे हिस्से पर लग जाती है कि जहां से कि एक लफ्ज है मेडिकल का वेसोवेगल शॉक, कि बिफर्स ये कूनी जो है वो यहां पर कहीं लग जाती है तो एक देखिए करंट सा पड़ता है बॉडी में, सो दिस इज नोन एज वेसोवेगल शॉक। तो ये शॉक समटाइम्स अगर सीवियर हो तो इससे डेथ कॉज हो सकती है। अब वो एक छोटी सी छड़ी से अगर उसने यहां पर मारा उसको तो उसका मकसद ये नहीं था कि वो उसको मारे लेकिन डेथ कॉज हो गई। तो ऐसी सूरत में कोर्ट ये देखेगी कि ये तो केस जो है वो 316 का बनता है, ये मेरे तो ट्राइबल है ही नहीं,
तो वो उसका कौन बिजनेस नहीं लेगा। फिर उसने ये देखना है कि बेफर्स वो लाहौर का मजिस्ट्रेट है और केस जो है वो शेखपुरा का उसके पास प्रेजेंट कर दिया जाता है और उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, तो ऐसी सूरत में भी वो केस जो है वो सेशन जज को भिजवा देगा और सेशन जज साहब उसको हाईकोर्ट भिजवा देंगे ताकि उस केस की जो जहां पर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वहां पर उसका ट्रायल हो सके। लास्टली ये कि हु आर द पर्संस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। सो ये चार चीजें मैंने बताई हैं आपको, ये चार फैक्ट्स जो हैं, ये चार जो अमूर हैं, इन पे जब एक कोई अदालत अपना माइंड अप्लाई करती है तो उसको कहते हैं कि ये कॉग्निजेंस की है। 99.9% केसेस में कोर्ट जो है वो जिसको कॉग्निजेंस कहते हैं वो कॉग्निजेंस नहीं लेते। स्टीरियोटाइप उन्होंने ऑर्डर्स रखे हुए हैं कि जनाब चलान आज पेश हुआ, दर्ज रजिस्टर हुए और मुलजमान को फलाम तारीख कर लिए, तलब कर लिए। दिस इज नॉट एन ऑर्डर ऑफ टेकिंग द कॉग्निजेंस। आप उसके बाद आप ये देखिए कि हम अपने आप को कन्फाइन करते हैं कंप्लेंट की डेफिनेशन में, तो मैंने आपसे बताया, आपको अर्ज की थी कि उसमें एक एक्सक्लूजन है, क्या मैं फिर उसको दोबारा आपको उसकी डेफिनेशन बताता हूं कि कंप्लेंट मींस द एलिगेशंस मेड ऑरली और इन राइटिंग टू ए मैजिस्ट्रेट with a view to taking his action, that some person, whether known or unknown, has committed an offence. अब वो एक्सक्लूजन नहीं है कि बट इट डज नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। और रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर क्या है, जिसको हम आमतौर पर चलान कहते हैं। अब फर्स्ट ये देखिए मेरी बात सुने, एक मैं आपको अमर बताता हूं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के लफ्ज को सीआरपीसी रिकॉग्नाइज नहीं करता। इट इज अ वर्ड विच हैज बीन बोरोड फ्रॉम द पुलिस रूल्स। लाइकवाइज चलान के लफ्ज को ये आपका सीआरपीसी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। चलान का लफ्ज भी हमने वहीं से बोरो किया है, पुलिस रूल्स। ये सीआरपीसी जब आप डिस्कस कर रहे हो तो उस वक्त ये दोनों लफ्ज, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और चलान का लफ्ज जो है, ये एलियन है इसके लिए। तो कंप्लेंट होती क्या है, उसको आपका जो सेक्शन है 265C, वो जो है वो सब सेक्शन 2 उसको एक्सप्लेन करता है कि उसमें आप एलिगेशन जो है उसका जिस्ट होना चाहिए, उसमें जिस्ट ऑफ एलिगेशन, जिस्ट ऑफ एविडेंस होना चाहिए और उनकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि हु आर द पर्संस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो ये चीजें जो हैं कि कंप्लेंट में आपने एलिगेशंस जो हैं उनको एक्सप्लेन करना है कि एलिगेशंस क्या है, जो क्या बनता है, एविडेंस क्या है जो कि एविडेंस आपने उसको और उसका जिस्ट जो है वो निकाल देना है आपके साथ। अब ये कंप्लेंट आपकी बन गई जब, तो इसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स जिन डॉक्यूमेंट्स पे आप प्रोसिक्यूशन रिलाई करना चाहती है, कंप्लेंट रिलाई करना चाहता है, उन डॉक्यूमेंट्स को उसके साथ लगा देना। बिकॉज अगर वो कत्लेआमद का केस है तो उसमें अगर वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पे जो है वो रिलाई करना चाहता है, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उसके साथ लगाएगा। और फिर ये कि अगर वो रिपोर्ट इब्तदाई के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उस पर रिलाई करता है या किसी ऐसी रिपोर्ट वो मेडिकल लीगल रिपोर्ट पे जो कि किसी इंजर्ड की रिपोर्ट है उस पर रिलाई करना चाहता है वो उसके साथ लगा देगा। इसी तरह ये
कि अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं जिस तरह के ब्लड स्टेन और मौके से ली हुई है उसकी रिकवरी मेमोस जो हैं वो अगर कोई रिकवरी हुई हुई है उसमें वो वेपन रिकवर्ड है अगर वो वेपन जो है वो उसके मुतालिक उसकी मेमो लगाना जाता है वो उसके साथ लग जाएगी तो वो डॉक्यूमेंट्स जिन पर के प्रोसिक्यूशन रिलाई करना चाह रही है वो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच कर दिए जाएंगे। अब आपकी कंप्लेंट जब कंप्लीट हो गई तो आप उसको स्टडी कीजिए एज काउंसिल फॉर द कंप्लेनेंट यू आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप ए फोर्ट वेयर यू हैव टू कन्फाइन द अक्यूज्ड पर्सन और आपने ऐसी एविडेंस वहां पर देनी है और इस तरह का केस बनाना है कि आपके उस फोर्ट में किसी किस्म की कोई वीकनेस ना हो और अगर उसमें कोई वीकनेस होगी तो अक्यूज का क्या काम है कि उसके हाथ में कानून ने क्रॉस एग्जामिनेशन का एक हैमर जो है हथौड़ा उसके हाथ में दे दिया हुआ है कि वो आपके जो फोर्ट है उसकी दीवारों को देखे और जहां से दीवार कमजोर है उसको तोड़ के दिमाग से निकले और इसको कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। अब ये देखिए कि एक बहुत पुरानी बात आपसे मैं करूं कि यहां पर हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे सोहरावर्दी साहब वो लाहौर में कोर्ट ऑफ सेशंस में आर्गुमेंट्स कर रहे थे। अब आर्गुमेंट्स के दौरान जो जज साहब थे उन्होंने उनसे पूछा कि सोहरावर्दी साहब ये बेनिफिट ऑफ डाउट क्या होता है ये बेनिफिट ऑफ डाउट तो कहीं पे एक्सप्लेन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये तो बड़ा सादा सा मामला है लेकिन जी बताइए फिर वो जब आर्गुमेंट्स करते होते थे तो अपने यहां पर उन्होंने पानी का गिलास रखा होता जिससे वो सिप लेते रहते उन्होंने वो गिलास उठाया उठा के तो यूं दिखाया कहने लगे जैसा ये देखिए ये पानी जो है क्रिस्टल क्लियर है इसमें से मुझे आपकी शक्ल और आपको मेरी शक्ल नजर आ रही है तो ऐसी क्रिस्टल क्लियर अगर एविडेंस हो तो उसमें से गिल्ट ऑफ एक्यूज जो है वो बिल्कुल साफ नजर आता है और ऐसी शहादत जो है उसकी बेसिस पे जो कि क्रिस्टल क्लियर हो आप कन्विक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बाहर से खाक जो है वो मंगवाई मट्टी जो है वो मंगवा के तो वो उस गिलास में डाल दी पानी गदला हो गया। पानी गदला होने के बाद उन्होंने कहा कि जी ये देखिए ये गिलास इसके पानी में से ना तो मैं आपको देख सकता हूं और ना ही आप मुझे देख सकते हैं तो इस किस्म की जब गदली एविडेंस हो तो ये कहा जाता है कि ये मशकूक एविडेंस है और इससे गिल्ट ऑफ द अक्यूज प्रॉपरली नजर नहीं आता। लिहाजा जब अक्यूज की गिल्ट प्रॉपरली जो है एविडेंस में से नजर ना आ रही हो तो फिर उसको शक का उससे फायदा दे दिया जाता है तो कहने लगे ये जो मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया है यही इसका नाम शक है। तो मेरी जो इसमें आपके सामने गुजारिश थी वो ये थी कि जब आप कंप्लेंट बना रहे हो तो फ्रॉम ऑल एंगल्स उसको हिट कीजिए आप ये देखिए कि प्रॉपर जो डिफेंस है वो क्या बन सकता है और जो अवेलेबल एविडेंस है उससे आपने उस प्रॉपर डिफेंस को कैसे कवर अप करना है तो फिर तो वो कंप्लेंट करने का वो फायदा होगा। अदरवाइज अक्यूज जो है जिस तरह मैंने आपके सामने आपको बताया है वो जहां से आपका केस वीक होगा वहां से वो उस केस को खत्म करता हुआ वो अक्विटल की तरफ चले जाएगा। अब कंप्लेंट तैयार होने के बाद आपने कोर्ट में फाइल कर दी तो अगर वो ऐसी कंप्लेंट है जो कि ट्राइबल है बाई द कोर्ट ऑफ ए मैजिस्ट्रेट
तो सेक्शन 190 अब देखिए देखिए मैजिस्ट्रेट्स भी दो किस्म के हैं, एक वो मैजिस्ट्रेट हैं जिसको हम मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहते हैं, अब मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और थर्ड क्लास जो जो क्लास थ्री मैजिस्ट्रेट्स हैं उनका हमारे यहां पर कोई सबर है ही नहीं, उनके तमाम केसेस जो हम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही सुनते हैं जो, और दूसरी जो है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो कि सेक्शन 30 जो है सीआरपीसी उसके तहत उनको इन्हांस्ड पावर्स जो है दे दी गई। तो जो इन्हांस्ड पावर्स का है वो सेक्शन 30 की ही कोर्ट में आप सबमिट करेंगे उस कंप्लेंट को, और वो कंप्लेंट जो कि एक्सक्लूसिव ट्राइबल है बाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तो वो आप मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसके पास जो है वो फाइल करेंगे। अब आपने कहां से देखना है कि ये कौन सी कोर्ट के ट्राइबल है, इस सिलसिले में सीआरपीसी जो है इसके आखिर में एक शेड्यूल दिया हुआ है जिसको शेड्यूल टू कहते हैं। सीआरपीसी के आखिर में एक शेड्यूल दिया हुआ है जिसको शेड्यूल को कहते हैं शेड्यूल टू। इस शेड्यूल टू के आखिर में लिखा हुआ है कि ये ट्राइबल है बाई कोर्ट ऑफ सेशंस और बाई मैजिस्ट्रेट। तो अगर वहां पर ये लिखा हुआ है कि मैजिस्ट्रेट बाई कोर्ट ऑफ सेशंस और बाई मैजिस्ट्रेट तो वो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट जो है उसी के ट्राइबल हो। अब अगर उसकी जो सेंटेंस है जो कि उसके लिए सेंटेंस प्रोवाइडेड है वो सेंटेंस अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो फिर भी आप उस केस को मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो है वो फाइल करेंगे। अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट जो केसेस हैं वो ट्राइबल हैं भाई सेक्शन 30 मैजिस्ट्रेट्स, और अगर उसमें डेथ सेंटेंस प्रोवाइडेड है 302 की मिसाल आपके सामने है तो फिर ऐसी सूरत में जो मैजिस्ट्रेट है उसके पास आप कंप्लेंट फाइल करेंगे वो उसको कोर्ट ऑफ सेशंस को सेंड अप कर देंगे अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी। अब उसके बाद ये कि आपने बिलफर्स मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल की है तो मैजिस्ट्रेट सबसे पहले उसका कॉग्निजेंस लेगा, वो देखेगा कि क्या कंप्लेंट से कोई ऑफेंस बनता है या नहीं बनता, फिर उसके बाद उसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन बनती है या नहीं बनती, फिर ये कि वो ऑफेंस जो है वो ऑफेंस उसकी जुरिसडिक्शन में फॉल करता है या नहीं करता, और लास्टली ये कि हु आर द पर्संस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो ये जो है कॉग्निजेंस लेने के बाद जो मैजिस्ट्रेट हैं वो इमीडिएटली अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी कंप्लेनेंट का ऑन ओथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। कुछ ऐसे हैं मामलात, कुछ ऐसे जो है केसेस जिन केसेस में अंडर सेक्शन 200 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती, वो कौन सी, वेयर द कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय ए पब्लिक सर्वेंट, वहां पर सेक्शन 200 की जो कंप्लेंट है वो फाइल करने की जरूरत नहीं है। लाइकवाइज अगर कोर्ट जो है वो एक कंप्लेंट फाइल करती है और उस कंप्लेन की बेसिस पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है तो उस कोर्ट की स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 200 लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर वही कंप्लेंट जो है उस वो स्टेज चली उस स्टेज पे चली जाती है कि सेक्शन 202 की इंक्वायरी जो है वो रिक्वायर्ड है तो ऐसी सूरत में जो 202 की इंक्वायरी है जब वो कंप्लेंट जज की हो और या पब्लिक सर्वेंट में सर्वेंट ने की हो तो वो इंक्वायरी की भी जरूरत नहीं रहती है। लेकिन अगर प्राइवेट इंडिविजुअल है जिसने कि वो
कंप्लेंट की है, तो ऐसी सूरत में सेक्शन 200 का ऑन ओथ स्टेटमेंट लिखने के बाद मैजिस्ट्रेट जो है ही विल पोस्टपोन द इश्यू ऑफ प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ द, अब यहां पर अनलेस एंड अनटिल द अक्यूज्ड पर्संस आर समन्ड बाय द कोर्ट दे विल नॉट बी नोन एज अक्यूज्ड, उनको जब आप इस तवासा लिखेंगे तो वहां पर आपको मुलजमान नहीं लिखेंगे, वहां पर आप लिखेंगे उनको पर्संस कंप्लेंड अगेंस्ट, और अगर उर्दू में आपने वो इस तवासा लिखा है तो उनको आप लिखेंगे अल्जाम अलैह। तो अल्जाम अलैहान जो है वो उस वक्त तक अल्जाम अलैह रहेंगे, पर्संस कंप्लेंड अगेंस्ट रहेंगे जब तक के कोर्ट इस नतीजे पर ना पहुंचे कि सफिशियंट ग्राउंड्स आर एग्जिस्टिंग टू प्रोसीड विद द ट्रायल, और वो सेक्शन 204 के तहत उनकी अटेंडेंस के लिए प्रोसेस जारी ना करते। अब जब मजिस्ट्रेट साहब जो है वो इंक्वायरी के ऑर्डर्स करेंगे और पोस्टपोन करेंगे उसको इश्यू ऑफ प्रोसेस को, तो ऐसी सूरत में वो ये भी कर सकते हैं कि खुद इंक्वायरी कर लें, वो ये भी कर सकते हैं कि वो इंक्वायरी की प्रोसीडिंग्स को किसी पुलिस ऑफिसर के पास भिजवा दें, या एक शख्स जो है वो उनके कोर्ट के सामने से गुजर रहा है उसको बुला लें कि भाई इधर आओ ये डॉक्यूमेंट्स पकड़ो इसकी इंक्वायरी करो और इंक्वायरी करने के बाद मुझे भिजवा दो, तो किसी भी शख्स को इंटरेस्ट कर सकते हैं, एक लायर जो है वो उनके कोर्ट के सामने गुजर रहे हैं वो बुला सकते हैं कि बरकी साहब इधर आइए, साहिब बरकी साहब ये इसकी इंक्वायरी कीजिए और इंक्वायरी करने के बाद इसकी रिपोर्ट सबमिट कर दें। जो इंक्वायरी ऑफिसर होते हैं उनके पास विटनेसेस को तलब करने के अख्तियारात होते हैं, लेकिन उनके पास अख्तियारात नहीं है कि वो जो अक्यूज हैं उनको अरेस्ट कर सकें। ये देखिए मुझे क्या हो, या फिर नहीं आ रहा, या फिर ये कि नहीं आ रहा, फिर या फिर वो ये कि एक किसी पुलिस ऑफिसर को वो इंटरेस्ट कर सकते हैं कि जी आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद आप अपनी ओपिनियन दे दें कि क्या सफिशियंट रीजंस एग्जिस्ट करते हैं टू प्रोसीड विद द ट्रायल। वो पुलिस ऑफिसर भी जो बयानात कलमबंद करेगा वो बयानात वो अंडर सेक्शन 202 होंगे, और वो जो बयानात हैं वो उसकी इंक्वायरी के दौरान वो अक्यूज जो हैं वो उनको तलब नहीं कर सकता, वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स करेगा कि कंप्लेनेंट की शहादत ले और शहादत लेने के बाद वो बता दे कि जनाब इनके शहादत से एक्स पार्टी वो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो प्रामाफिशाई जो है केस बनाती है या नहीं बनाती है। तो उसके लिए जो वर्ड्स हैं वो हैं कि सफिशियंट ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग विद द ट्रायल। अब उसके बाद ये है कि वो मैजिस्ट्रेट साहब जब अपनी सारी वो इंक्वायरी रिपोर्ट उनके पास आ जाती है तो उसके बाद ही इज सपोज्ड टू गो थ्रू द इंटायर एविडेंस, और उस एविडेंस की बेसिस पे उन्होंने
प्रोसेस जो है वो जारी करना है टू कंपेल द अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, और अगर वो समझते हैं कि जनाब शहादत नाकाफी है तो वो उस कंप्लेंट को अंडर सेक्शन 203 डिसमिस कर सकते हैं। अब यहां पर एक बात मैं वाजे कर दूं कि डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट वो बात नहीं करता कि आप सेकेंड कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। अगर उसमें कोर्ट जो है वो इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि द एविडेंस इज डेफिशिएंट, और डेफिशिएंट एविडेंस की वजह से वो हमने इसको ये समझा है कि काफी एविडेंस ना होने की वजह से अक्यूज को समन करना दुरुस्त नहीं है, तो वो रिफ्यूज कर सकता है कि जनाब यही एविडेंस की कमी है। तो इस कमी की वजह से मैं अक्यूज जो हूं उनको तलब नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो सेकेंड कंप्लेंट में उस डेफिशिएंसी को कवर अप कर लेते हैं तो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट के बाद वो सेकेंड कंप्लेंट उनकी कॉम्पिटेंट होगी। ऑन द फ्रेश ग्राउंड इसी तरह ये कि अगर डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट हो जाती है और उससे आप एग्रीव्ड हैं कि ये जो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट है ये दुरुस्त नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में जो उसकी आप डिसमिसल के अगेंस्ट अपील ऐसे कोर्टल फाइल नहीं करेंगे बल्कि जो उसमें फाइल होगी वो रिवीजन पिटीशन होगी। अब रिवीजन पिटीशन के जो आम रिवीजन पिटीशन है उसके लिए हमारे पास सेक्शंस ऑफ लॉ है 435 रेड विथ सेक्शन 439 या 439 नहीं, अगर कोड ऑफ सेशंस में वो आप उसकी जाती है, लेकिन इसमें जो पर्टिकुलर और खसूसी तौर पर इसका सेक्शन है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट के अगेंस्ट रिवीजन का वो है सेक्शन 436। अब उसके बाद रिवीजन वो होती है, तो रिवीजन पिटीशन में आर्गुमेंट्स के बाद जब उसका डिसीजन होगा तो सेक्शन 435 सीआरपीसी वो रिक्वायर कर देता है कोर्ट रिविजनल कोर्ट से कि वो डिक्लेयर कर दे कि दिस ऑर्डर इज इलीगल, दिस ऑर्डर इज इम्प्रॉपर और दिस ऑर्डर इज इनकरेक्ट। रिफर्स एक शख्स है वो 249 की एप्लीकेशन दे देता है कि मुझे बरी किया जाए, वो डिसमिस हो जाती है एप्लीकेशन। अब आप उसकी एक रिवीजन फाइल कर देती है कि जनाब ये तो ऑर्डर ठीक नहीं है, मैं इसकी रिवीजन फाइल करता हूं। उस रिवीजन पिटीशन को आप जब आप आर्गू करते हैं तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशंस उस रिवीजन पिटीशन को एक्सेप्ट कर देती है। तो मैक्सिमम व्हाट द कोर्ट कैन डू इज के कोर्ट विल डिक्लेयर दैट ऑर्डर इलीगल, इनकरेक्ट और इम्प्रॉपर। जो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है कि उस ऑर्डर को इलीगल डिक्लेयर करने के बाद मैं इसको बरी करता हूं, वो ऑर्डर कोर्ट पास नहीं कर सकती। तो लाइकवाइज अगर आप डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट के अगेंस्ट वहां पर रिवीजन में जाते हैं और वहां पर आपकी प्रेयर तो ये होगी ना कि जनाब ये समनिंग का एक बेहतरीन केस बनता था, तो कोर्ट ने जो है वो ये इलीगल ऑर्डर पास करते हुए या एक इम्प्रॉपर या इनकरेक्ट ऑर्डर पास करते हुए कि उसको समझ नहीं किया, इस ऑर्डर को सेटिसफाइड किया जाए। तो कोर्ट वहां पर जब ऑर्डर को सेटिसफाइड करेगी तो
तो सेटिस्फाइड करने के बाद जो सेक्शन 436 है वो ये कहता है कि कोर्ट उसको फर्दर इंक्वायरी के लिए वापस भेज देगी, रिमांड कर देगी। तो रिविजनल केसेस में कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ सिवाय एक इंस्टेंस के नहीं मिल सकता, और वो इंस्टेंस क्या है कि इनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस इनहांस हो सकता है रिविजनल पावर्स के तहत, लेकिन एक्विटल नहीं हो सकती, वो जनाब और इस किस्म की पावर्स जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो मेरा जो इसमें वो है कि अब फर्दर इंक्वायरी के लिए रिविजनल कोर्ट जो है उसने लोअर कोर्ट में भिजवा दिया। तो जब लोअर कोर्ट में चला गया वहां पे फर्दर इंक्वायरी का, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंक्वायरी इनिशिएट कर लेगा, बल्कि उसी स्टेज से जिस स्टेज पे उसकी प्रोसीडिंग जो है वो सेटिसफाइड हुई है वहां से विल पास एन ऑर्डर ऑफ समनी दी क्यूज एंड दैट विल बी ए प्रोसेस ऑफ फर्दर इंक्वायरी। तो इवन यहां पर मैं जो आपसे कहूं कि फर्दर इंक्वायरी से मतलब ये होगा कि इशू ऑफ प्रोसेस बाय द कोर्ट वो उसको हम फर्दर इंक्वायरी में इंक्लूड करेंगे, और कोर्ट ऑफ रिवीजन अगर कोई ऑर्डर करती भी है तो जो इसमें है कोर्ट ऑफ सेशंस उसके ऑर्डर्स जो है उनसे मैजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के ऑर्डर से मैजिस्ट्रेट डिसएग्री भी कर सकता है कि जनाब आपने ये ऑर्डर किया है और केस रिमांड कर दिया था, मैंने इसको जो है वो अच्छी तरह इसको जो है वो देखा है तो मेरे ख्याल में ये ऑर्डर बनता है। कई दफा इस तरह हुआ है कि 6 से 7 दफा जो है वो रिवीजन पास हुई, उसके ऑर्डर्स मैजिस्ट्रेट के सेटिसफाइड हुए, अल्टीमेटली दूसरा मैजिस्ट्रेट आया उसने वहां पर समनिंग की, अदरवाइज मैजिस्ट्रेट जो है वो पकड़ गया कि नहीं जिना मैं तो नहीं समनिंग करता। तो रिविजनल पावर्स में मैं जो बताना चाहता हूं कि कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ नहीं मिल सकता। तो लाइकवाइज कंप्लेंट में जो है वो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट के अगेंस्ट, अगर कोई शख्स जो है वो रिविजन में जाता है तो मैक्सिमम ये होगा कि दैट केस विल बी रिमांडेड और उसके बाद उसकी फर्दर इंक्वायरी हो। कोर्ट ऑफ सेशंस में अगर कंप्लेंट आप मैजिस्ट्रेट के पास फाइल करते हैं तो मैजिस्ट्रेट जो है वो उसका पहले कॉग्निजेंस लेगा, और सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 के तहत अगर वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाय कोर्ट ऑफ सेशंस तो वो उस केस को सेंट अप कर देगा टू द कोर्ट ऑफ सेशंस विदाउट रिकॉर्डिंग एनी एविडेंस। और जब वो कोर्ट ऑफ सेशंस में केस चला जाएगा तो वहां पर अंडर सेक्शन 193 सीआरपीसी जो उसमें कोर्ट ऑफ सेशंस है वो दोबारा उसका कॉग्निजेंस ले, और उसमें सेक्शन 193 में ये दर्ज है कि कोर्ट ऑफ सॉरी सेशंस जो सिर्फ उसी सूरत में कॉग्निजेंस लेगी कि व्हेन द केस इज सेंट अप टू इट अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 सीआरपीसी। और ये भी उसमें लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ सेशंस जो है इट इज नॉट ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो अब उसके बाद जब कोर्ट ऑफ सेशंस में वो कंप्लेंट चली जाएगी तो वहां पर कोर्ट ऑफ सेशंस इमीडिएटली पहले कंप्लेनेंट का बयान जो है वो अंडर सेक्शन 190-200 सीआरपीसी रिकॉर्ड करेगी ऑन ऑफ स्टेट। और उसके बाद सेक्शन 202 के तहत वो उसकी इंक्वायरी करेगी, लेकिन जो कोर्ट ऑफ सेशंस के केसेस हैं ट्राइबल केसेस हैं उनमें देर इज एन एम्बार्गो। आम केसेस में जो कि मैजिस्ट्रेट ने डील करने होते हैं उन केसेस में मैजिस्ट्रेट साहब जो है वो इंक्वायरी के लिए उन केसेस को भेज सकते हैं टू दी पुलिस कि आप इसकी इंक्वायरी कीजिए, और इंक्वायरी करने के बाद आप इन केसेस को जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ मुझे भिजवा दें। लेकिन यहां पर ये इम्बार्गो है कि ये इंक्वायरी सिर्फ मैजिस्ट्रेट साहब ही कर सकते हैं, और मैजिस्ट्रेट साहब के अलावा कोई और शख्स जो है वो उसकी इंक्वायरी नहीं कर सकते। इंक्वायरी करने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब या वो खुद अगर उन्होंने अपनी इंक्वायरी अपने पास रख ली है तो वो एग्जामिन करेंगे
कि सफिशियंट ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं टू प्रोसीड विद द ट्रायल और नॉट। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इसमें सीआरपीसी के सेक्शन 202 में 204 में लिखा हुआ है सफिशियंट ग्राउंड, तो ये सफिशियंट ग्राउंड से आपका क्या मतलब है? सफिशियंट ग्राउंड्स का मतलब जो है वो हमारे पास एक 1998 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 922 पे एक जजमेंट आई है अदनान, ये इसमें अदनान समी के नाम से है वो, ज़ेबा मुख्तियार वर्सेज अदनान समी। इस जजमेंट में उन्होंने कहा है कि आप जो एलिगेशंस हैं उन एलिगेशंस को लिख लीजिए या उन एलिगेशंस को सामने रख लें और ये देखें कि इन एलिगेशंस को अगर रिबट नहीं किया जाता तो क्या उन अनरिबटेड एलिगेशंस की बेसिस पे आप कन्विक्शन कर सकते हैं? अगर ऐसे एलिगेशंस जो हैं वो मौजूद हैं जिनकी बेसिस पे कन्विक्शन हो सकती है तो उन्होंने कहा कि ये दिस सिचुएशन विल बी नोन एज सफिशियंट ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग्स विद द ट्रायल। अब उसके बाद जो है वो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अगर कंप्लेंट फाइल होती है तो टिल द समनिंग ऑफ द जो है अक्यूज उनको आप अल्जाम अलैह लिखें और सेक्शन 202 का मैंने हवाला दिया था कि उसमें ये ऐसा लिखा हुआ है कि पर्संस कंप्लेंट अगेंस्ट। लेकिन जब आप सेक्शन 204 के तहत ऑर्डर्स करेंगे कि उनको तलब कर लिया मैंने या कोर्ट जो है वो उनके 204 के ऑर्डर्स करेगी कि मैं इनको तलब करती हूं कि सफिशियंट ग्राउंड इनके अगेंस्ट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं टू प्रोसीड विद द ट्रायल, तो फिर उसके बाद उनका स्टेटस जो है वो अक्यूज कंप्लेंट अगेंस्ट से वो पर्सन कंप्लेंट अगेंस्ट से अक्यूज हो जाएगा, फिर उसके बाद उनको हम लिखेंगे अक्यूज। और ये सेक्शन 204 जो है सीआरपीसी उसमें लिखा हुआ। अब उसके बाद ये भी आपने ये देखना है कि जो आपके पास ये कंप्लेंट्स हैं उन कंप्लेंट्स में आपने समन्स जारी करनी है टू कंपेल द अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज या कि वारंट जारी करनी है। प्रोसेस में दो किस्म के वारंट्स भी हैं समन्स भी हैं, तो ऐसी सूरत में आपने फिर शेड्यूल 2 जो है इसके सीआरपीसी के आखिर में उसका कॉल नंबर 4 जो है वो देखें, ये कॉल नंबर 4 में उसको समन्स लिखा हुआ है वहां पर या वारंट लिखा हुआ है। अगर वहां पर समन्स लिखा हुआ है तो एट द फर्स्ट इंस्टेंस यू द कोर्ट वुड बी रिक्वायर्ड टू इश्यू द समन्स। वहां पर अगर कोर्ट जो है वो समन्स केस में वारंट जारी करती है तो वो एक इलीगैलिटी होगी, और अगर वहां पे वारंट लिखा हुआ है कॉलम नंबर 4 जो है शेड्यूल 2 के, तो ऐसी सूरत में कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि इधर टू इश्यू द समन्स और द वारंट्स। फिर मैं इसको दोहरा देता हूं कि ऐसे केसेस जो कि समन्स केसेस हैं शेड्यूल 2 के मुताबिक उनमें एट द फर्स्ट इंस्टेंस समन्स ही जारी होंगे, और ऐसे केसेस जहां पर के वारंट लिखा हो तो वहां पर डिस्क्रिशन है कोर्ट की इधर टू इश्यू समन्स और टू इश्यू द वारंट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी स्टेज कंप्लीट की आ जाती है कि जब वो आ जाती है कि अक्यूज्ड आके पेश हो, तो कंप्लेन केस में इनिशियली जो है वो 1986 की हमारे पास जजमेंट थी 1986 पाकिस्तान के मुला जनरल पेज 2359 बाय हिज लॉर्डशिप मिसेस जस्टिस मोहम्मद रफीक तारड़, जिसमें ये कहा गया था कि अगर अक्यूज जो है उसको आप समन करते हैं या उसके वारंट भेजते हैं तो वो जब आकर पेश हो जाए तो आप उसको रिक्वायर कीजिए कि वो सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत
surety bonds dafal kar. और ये जो रूटीन थी, ये प्रैक्टिस इसके अगेंस्ट जो उसमें एग्रीव्ड पर्संस थे, दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, लीव टू अपील ग्रांट हुई, अल्टीमेटली जो वो अपील थी वो डिसमिस हो गई. तो दिस इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रफीक तारड़ साहब की जजमेंट थी वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बन गई. अब उसके बाद 2005-86 और 2005 तक का ये ईरा आप देखिए कि यही जो जजमेंट है वो फील्ड में रही. 2005 में एक चीज आई कि कराची हाई कोर्ट में जस्टिस रहमत हुसैन जाफर साहब ने इस तरह किया कि एक और जजमेंट दे दी जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब कंप्लेंट केस हो या चलान केस हो, इन तमाम केसेस में आप बेल एप्लीकेशन फाइल कीजिए. और कंप्लेंट केसेस में और चलान केसेस में दोनों में प्रिंसिपल एक ही है, ग्रांट ऑफ बेल का. अब लाहौर हाईकोर्ट पर्टिकुलरली रेजिस्टेड दिस जजमेंट ऑफ दी कराची हाईकोर्ट. तो उसमें जो प्रोमिनेंट जजमेंट साइन वो तीन थी. पहली जजमेंट जो है वो बाय हिज लॉर्डशिप मिनिस्टर जस्टिस शबर रजा रिजवी थी और दूसरी जस्टिस राणा जाहिद साहब ने दी और तीसरी जजमेंट जो थी वो मेरी थी जिसमें मैंने ये कराची जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थी उनका पर्टिकुलरली मैंने जिक्र किया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो इनफील्ड है और ये अब प्रपोजिशन जो है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए हाई कोर्ट में ये जो जजमेंट आई है इस जजमेंट को कोई वक्त नहीं है, सो इट मे नॉट बी फॉरवर्ड. उसके बाद जस्टिस रहमत हुसैन जाफर साहब तशरीफ ले गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाते ही यही जजमेंट दोबारा वहां पे एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दे दी. अब उसको फिर लाहौर के लायर्स ने रेजिस्ट किया. ये जनाब इससे तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई, हम प्रॉपरली अपने केसेस जो हैं वो उनको अटेंड नहीं कर पा रहे, केसेस जो हैं वो डिले हो रहे हैं. तो फिर उसके बाद एक फुल बेंच जो है कंसिस्टिंग ऑफ 5 जजेस दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड और 2014 में वो जजमेंट जो कि रहमत हुसैन जाफर साहब की जजमेंट थी दैट वाज रिव्यूड और उसमें उन्होंने कहा कि अगर अक्यूज जो है उसके समन्स जारी हों तो 91 के तहत श्योरिटी वारंट्स ले ली, अगर उसके बेलेबल वारंट्स जारी हों तो चूंकि उसको अप्रिहेंशन कोई नहीं है अरेस्ट की लिहाजा उसकी श्योरिटी बॉन्ड्स, अगर वो कहता है श्योरिटी बॉन्ड ले लीजिए तो ले लें. हाँ अलबत्ता अगर वहां पर नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए हों तो फिर उसकी एप्रीहेंशन है कि ही मे नॉट बी अरेस्टेड, तो ऐसी सूरत में उनसे कहा गया कि वो वहां पर बेल मूव करें. अब उसके बाद जो अक्यूज्ड है वो अपनी श्योरिटीज दे देता है तो देने के बाद कोर्ट जो है वो फिक्स कर देगी केस फॉर द सप्लाई ऑफ कॉपीज. तो कंप्लेंट केस में अक्यूज को जो कॉपीज मिलनी है वो ये हैं, कंप्लेंट की कॉपी, कंप्लेंट के साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड होते हैं उनकी कॉपी, फिर 200 के तहत जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है उसकी कॉपी और 202 की जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं उनकी कॉपीज या कंप्लेंट के साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हैं उनकी कॉपीज वो देनी मतलब होती है. अब एक जो इसमें डिफिकल्टी आ सकती है वो ये है कि फॉर इंस्टेंस एक शख्स है जो कि चलान केस में है,
उसको तो चलान केस के जो सब सेक्शन वन में कॉपीज कही गई हैं वही मिलनी है, और कंप्लेंट केस में जो कंप्लेंट केस की कॉपीज हैं वो मिलनी है। लेकिन एक अक्यूज के अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज होती है, वो उस एफआईआर को रजिस्ट करता है और ये कहता है कि जनाब मैं तो इस एफआईआर में इनोसेंट हूं। वो डिफेंस एविडेंस देता है और अल्टीमेटली जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो रिकमेंड कर देता है कि जनाब द एलिगेशन अगेंस्ट हिम आर इनकरेक्ट एंड फॉल्स। ऐसी सूरत में जो कंप्लेनेंट है वो इस तरह करता है कि वो बाद में फॉल्स एलिगेशन को मैजिस्ट्रेट से एग्री करवा के तो केस को कैंसिल कर देती है। जो कंप्लेनेंट है वो फिर बाद में कंप्लेंट फाइल कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन मतलब अदालत। वो कंप्लेंट में ऑल टुगेदर अपनी वर्जन को चेंज कर लेता है कि उसकी वर्जन बिफोर दी पुलिस कुछ और थी और यहां पर जो कोर्ट ऑफ सेशन में उसने कंप्लेंट फाइल की उसमें वर्जन उसकी ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अब ड्यूरिंग एविडेंस वो चाहता है कि वो जो 161 की स्टेटमेंट्स हैं या 154 की स्टेटमेंट्स हैं जो कि उसने पुलिस वालों ने लिखी हैं तो उनसे मैं इस विटनेस को कंप्लेनेंट को और दूसरे विटनेसेस को कन्फर्ट करवाऊं। और कानून के मुताबिक तो वो कंप्लेंट केस में 161 की स्टेटमेंट की कॉपी नहीं ले सकता, तो डेफिनेटली कोर्ट जो है वो अगर वो कोई सेक्शन ऑफ लॉ कोर्ट नहीं करता तो उसकी रिक्वेस्ट को जो है टर्न डाउन कर देगी। लेकिन देखिए इस सीआरपीसी जो है इसमें ऑलमोस्ट हर मर्ज का इलाज जो है मौजूद है। तो अगर वो शख्स जो है वो अप्लाई करता है अंडर सेक्शन 162 सब सेक्शन 1 और फर्स्ट प्रोविजन को तहत, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स जो है बतौर विटनेस के विटनेस बॉक्स में आता है और उसकी जो एडवर्स पार्टी है वो उसको उसकी स्टेटमेंट जो है जो पुलिस के सामने उसने दी है उससे उसको कन्फर्ट करना चाहती है और वो जो है उन स्टेटमेंट्स को हासिल करने के लिए कोर्ट से अप्लाई करते हैं तो कोर्ट के लिए शेल का लफ्ज है तो कोर्ट शेल सप्लाई हिम द कॉपीज ऑफ द स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड इन सेक्शन 161 सीआरपीसी। तो सेक्शन 162 सब सेक्शन 1 फर्स्ट प्रोविजो वो इसको जो है वो प्रोवाइड करता है ये कॉपीज जो है उसको दी जाए। अब उसके बाद ये होता है कि कंप्लेंट केस में अक्यूज जो हैं वो आ जाते हैं कॉपीज उनको मिल जाती हैं, कॉपीज मिलने के बाद जो एलिगेशंस हैं कंप्लेंट में दी हुई उसके डॉक्यूमेंट्स से जो जो है वो एलिगेशंस क्रॉप अप होती हैं दोज एलिगेशंस विल बी पुट टू द अक्यूज्ड कि आपने ये जो किया है कि आपको इसको मानते हैं। तो अगर अक्यूज कहता है कि जनाब मैं इसको नहीं मानता तो इसका मतलब यह है कि ही इज क्लेमिंग ट्रायल। तो ऐसी सूरत में जब वो ट्रायल क्लेम कर रहा हो तो फिर कोर्ट जो है वो पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो है उसको तलब करेगी अंडर सेक्शन 265 एफ सीआरपीसी और अगर वो मैजिस्ट्रियल ट्रायल है तो अंडर सेक्शन 244 सीआरपीसी। उसमें दो किस्म की शहादतें होती हैं। 265 एफ के तहत एफ के जो सबसे कम वन है उसमें पेश करदा गवाह के प्रोसिक्यूटर या कंप्लेंट काउंसिल जिन विटनेसेस को खुद पेश करते हैं वो उनको एग्जामिन करेंगे। अब उसके लिए सेक्शन 265 एफ है
or subsection 1. If the accused does not plead guilty under the preceding section, or the court does not convict him thereafter, the court shall, uske baad kuch alfaz hain, proceed with the trial. The court shall hear the complainant, if any, aur uska hai ki the court shall take all such evidence as may be produced. The word uses produced. Ye wo witnesses hain jo ko pesh karna, unko court ko examine karna zaruri hai. Pabandh hai court ki un witnesses ko examine kare. फिर उसके बाद वो विटनेसेस होते हैं हु आर रिक्वायर्ड टू बी समंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. तो उनके लिए फिर सब सेक्शन 2 है, टू सेक्शन 265 एफ का और सेक्शन 244 मैजिस्ट्रियल ट्रायल के लिए. तो उसमें ये कहा गया है कि द कोर्ट शैल असर्टेन फ्रॉम द पब्लिक प्रोसिक्यूटर or as the case may be from the complainant, the names of those witnesses who are acquainted with the facts of the circumstances and will be able to give evidence for the prosecution and shall summon those witnesses. अब उसके बाद ये होता है कि court summon कर रही है witnesses को, 2 साल गुजर गए, witnesses आ नहीं रहे, तो courts जो हैं वो ऐसा करती हैं कि एक ऑर्डर पास करते थे कि आई हियर बाई क्लोज द प्रोसिक्यूशन केस. तो कैन दे डू इट, और सम सेक्शन ऑफ लॉ परमिट्स द कोर्ट टू क्लोज द केस फॉर द प्रोसिक्यूशन और दैट ऑफ द डिफेंस? द आंसर इज नो. नो सच प्रोविजन ऑफ लॉ एग्जिस्ट अंडर विच द कोर्ट मे क्लोज द केस फॉर द प्रोसिक्यूशन. वो मैं भी उसके लिए उस सूरत में देखिए, आपके पास प्रोविजन ऑफ लॉ है सेक्शन 265 एफ सब सेक्शन 3. यदि कोर्ट में रिफ्यूज टू समन एनी विटनेस, द कोर्ट में रिफ्यूज टू समन एनी विटनेस विच इज बीइंग कॉल्ड फॉर द पर्पज ऑफ वेक्सेशन, डिले और डिफीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस. तो जब कोर्ट एक तलबीदा गवाह को समन करने से इनकार कर देगी तो उस गवाह ने कहां से आना है? एंड दिस इज नोन एज द क्लोजिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन और द डिफेंस. अदरवाइज जहां तक कानून का ताल्लुक है, कानून में कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है. ये तो है सेशंस केसेस में. और अगर मैजिस्ट्रियल ट्रायल हो तो मैजिस्ट्रियल ट्रायल में कोर्ट जो है वो सेक्शन 344 का शेल्टर लेगी. और उसमें ये है कि कोर्ट जो है उसने देखना है कि फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ विटनेस और अदर एनी अदर रीजनेबल कॉज इट बिकम्स नेसेसरी और एडवाइजेबल टू पोस्टपोन और अर्जन द कोर्ट शेल ऑन सच टर्म्स और कंडीशंस और एज इट फील्स जस्टी फॉर सच पीरियड एज इट कंसिडर रीजनेबल पोस्टपोन द केस. अब वहां पर यह है कि कोर्ट मे रिफ्यूज टू फर्दर पोस्टपोन द केस ऑन द ग्राउंड के मैं फॉर समनिंग द विटनेसेस मैं इसको पोस्टपोन नहीं करता, वो भी क्लोजिंग ऑफ एविडेंस के इक्वल हो जाए. जी सर, आपका माइक, आप माइक पर कर लीजिए, दूसरे दोस्त भी सुन रहे हैं. हाँ जी जी सर, वैसे कर लीजिए. हाँ जी सर, प्रोसिक्यूशन विटनेस और डिफेंस विटनेस जी और कंप्लेंट में कोर्ट आप बैठ
इनका क्वेश्चन ये था कि प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं और विटनेसेस भी डिफेंस विटनेसेस भी हैं, क्या कोई कोर्ट विटनेसेस भी होते हैं? तो ये देखिए कि लॉ जो है वो ये कहता है कि जज को मिट्टी का माधुर नहीं है कि जो बैठा हुआ है और सिर्फ यूं के देखता जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। प्रोसिक्यूशन जो है वो अपनी एविडेंस दे रही है, डिफेंस अपनी एविडेंस दे रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर कोर्ट किसी जगह पर ये समझती है कि द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन इज एसेंशियल फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, तो कोर्ट सुओ मोटो उस शख्स को तलब कर सकती है और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ईदर ऑफ द पार्टीज उसको बतौर कोर्ट विटनेस के तलब कर सकती है। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि आप ये देखिए कि रेप या इस किस्म के केसेस हैं, उन केसेस में एविडेंस हो गई और अक्यूज्ड की जो डिफेंस प्ली है वो ये होती है कि जनाब मैं और जो इसमें विक्टिम है वी आर लीगली वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ सो आई हैव नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। वो इस तरह करता है कि उस नकाहनामे की फोटोकॉपी पेश कर देता है। अब उस फोटोकॉपी में जो नकाहफा है उसका भी नाम लिखा हुआ है, जो उसमें रजिस्ट्रार है उसका भी नाम लिखा हुआ है, नकाह के जो विटनेसेस है उनका भी नाम लिखा हुआ है। तो ऐसी सूरत में जो जज है उस पर भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि अगर उसने ऐसा कोई डिफेंस लिया है और बाद में ड्यू टू द इग्नोरेंस और ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंस काउंसिल अगर वो उसको प्रॉपरली प्रूव नहीं कर पाया, तो ऐसी सूरत में वो जो विटनेसेस हैं उन विटनेसेस को कॉल फॉर करके वो देखे कि क्या उसके कहने में ये बातें जो हैं वो ये दुरुस्त भी है या कि नहीं, क्या ये वाकई नकाहनामा जो एग्जिस्ट भी करता है या कि नहीं करता। तो ऐसे जो विटनेसेस हैं हु मे बी एसेंशियल फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, तो कोर्ट उनको तलब कर सकते। तो अब उसके बाद आ जाता है कि डिफेंस विटनेसेस का, तो डिफेंस विटनेसेस अल्टीमेटली ये होता है कि उनको भी इसी तरह तलब किया जाएगा, कुछ पेशकर्दा भी हो सकते हैं और तलबीदा भी हो सकते हैं। जब ये जो एविडेंस है वो कंक्लूड हो जाए तो कंक्लूड प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंक्लूड होने के बाद 342 की स्टेटमेंट जो है अक्यूज की वो रिकॉर्ड होती है, उसमें जो इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल उसके अगेंस्ट आया हुआ हो सिर्फ वो क्वेश्चन पुट किए करने चाहिए, ये नहीं कि उसको क्रॉस एग्जामिनेशन बना लिया जाए कि विटनेस को हम क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं और वहां पर अक्यूज जो है उसकी एक्सप्लेनेशन ले ली जाए। अल्टीमेटली अब एक आखिर में आप उससे अक्यूज से दो क्वेश्चन पुट करते हैं, एक तो आप ये उससे क्वेश्चन पुट करते हैं कि भाई आप ये बताइए कि आप 340 सबसेक्शन 2 जो है ऑन ऑफ स्टेटमेंट देंगे, अगर कोई फर्ज कहता है कि मैं दूं, और फिर उसके बाद ये भी कहता है कि जनाब मैंने डिफेंस एविडेंस भी देनी है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि पहले डिफेंस एविडेंस जो है रिकॉर्ड होगी या पहले सेक्शन 340 सब सेक्शन 2 का बयान जो है वो कलम होगा? तो ऐसी सूरत में हमें जो सेक्शन 340 है सब सेक्शन 2 उसको देखना चाहिए। 340 सब सेक्शन 2 ये रिक्वायर करता है कोर्ट से कि 340 सब सेक्शन 2 का जब उसका कि उसका बयान हो रहा हो उससे उसके करेक्टर के अंदर कुछ ना पूछा जाए, ये नहीं कि भी तुम्हारे खिलाफ यह भी केस बोलना था, भी तुम्हारे खिलाफ यह भी केस बोलना था, तुमने फलां जगह पर जो है वो ये बद किरदारी की, तुम फलां जगह पर ये काम करते रहे, फलां जगह पर ये करते रहे, ये उससे नहीं पूछा जा सकता।
ये लॉ रिक्वायर करता है सेक्शन 340 सबसेक्शन में, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर अक्यूज्ड ये कहे कि मैं तो फरिश्ता हूं जनाब, मैंने आज तक जो है कोई गलत काम नहीं किया, मेरा दावा बिल्कुल साफ है और ये केस जो है मेरे खिलाफ झूठा बनाया गया है, जब वो अपनी पाक दामनी की और अपनी जो है इनोसेंस की शहादत देगा डिफेंस में, फिर उससे क्रॉस एग्जामिनेशन में उसके बैड कैरेक्टर के मुतालिक भी पूछा जा सकता है, उसके कैरेक्टर के मुतालिक आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि पहले डिफेंस एविडेंस रिकॉर्ड होगी और फिर सेक्शन 340 सबसेक्शन 2 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। पहला क्वेश्चन इनका ये था कि अगर कंप्लेंट भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी वन ऑफ द अक्यूज बना दिया जाए तो किस हद तक कंप्लेंट है उसमें वीकनेस आ जाती है। वो ये देखिए कि सबसे पहली जो वीकनेस आपकी आएगी वो ये कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, हो सकता है कि आपके केस में कोई रिकवरी स्कीम हो, वो रिकवरी करेगा। अगर वहां पर इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनी हुई है, वो उसने बनाई है, ब्लड एंड अर्थ जो है वो उसकी उसने सारा कुछ किया हुआ है और कुछ और बड़ा बहुत मटेरियल जो है वो उसने कलेक्ट किया हुआ है आपके केस में, और आप उसमें सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ अगर उसको इनोसेंट रख दिया तो कंप्लेंट में उसको बतौर मुल्जम रख दें, तो आप ये देखिए कि वो अक्यूज जो है उसकी शहादत, वो जो अक्यूज उसने बना दिया है उसकी शहादत से महरूम हो जाएंगे। लेकिन अगर वो उस शख्स ने ये किया है कि आपकी जो कुछ एविडेंस है उस एविडेंस को डिसअपीयर किया है, तो ऐसी सूरत में फिर वो शख्स तो बस साथी मुजरम मुलजम हुआ, तो फिर उसको जरूर उसमें रखना चाहिए। अब इनका क्वेश्चन ये था कि आपके पास चलान केस भी है, आपके पास कंप्लेंट केस भी है, तो आप पहले कौन सा कंप्लेंट केस चलाएंगे या चलान केस चलाएंगे? लंबा मौजू है लेकिन इसको मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं। अगर एक केस में आप ये देखिए कि ए जो है वो सी के खिलाफ ये कहता है कि जो ए है वो ये कहता है कि बी को सी ने कत्ल किया है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चलता है कि जनाब सी तो इसमें इनोसेंट है, एक्चुअली उसने ए को कत्ल करते हुए देखा है, तो ए जो है वो उसको पुलिस चालान कर देती है जो के एफआईआर में कंप्लेनेंट है। अब यहां पर वो जो ए है वो ये करता है कि कंप्लेंट बनाता है और सी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर देता है। अब दो मुलजम आपके हो गए, एक में ए मुलजम है कंप्लेंट केस में और उसमें चालान केस में, और कंप्लेंट केस में सी मुलजम है। इन दोनों केसेस में जो प्रोसीजर होगा ये कि कंप्लेंट केस में समनिंग तक वो अलग चलेगी, चलान की भी समनिंग जो है वो अलग होगी, फिर उसके बाद ये कि
जो अक्यूज है वो अलग अलग समन होंगे, कॉपीज जो हैं वो भी डिलीवर होंगी अलग अलग, क्योंकि कंप्लेंट केस में प्रोसीजर अलग है और चलान केस में प्रोसीजर अलग है। उसके बाद जब आपको चार्ज फ्रेम करना हो तो फिर आप एक ऑर्डर पास करेंगे उसमें। जहां पर सेट ऑफ अक्यूज्ड डिफरेंट है, जिस तरह के यहां पर कंप्लेंट में सी मुलजम है और चलान केस में ए मुलजम है, आप इन दोनों को अगर एक जो है वो कटहरे में खड़ा करेंगे तो एक तो वो एक दूसरे का सर फाड़ेंगे, दूसरा ये कि आप उसका चार्ज क्या फ्रेम करेंगे। आप दोनों को कहेंगे तुम दोनों ने कतल किया, वो भी पॉसिबल नहीं। तो यहां पर चार्ज की स्टेज पे आपने ये ऑर्डर कर देना, वो उसमें एक ऑर्डर पास करवाएंगे कि जनाब चूंकि सेट ऑफ विटनेसेस में डिफरेंट है, एविडेंस डिफरेंट है, इसलिए जो रूरलाइज केस है पीएलडी 1966 सुप्रीम कोर्ट पेज 708, तो उसको सामने रखते हुए कंप्लेंट केस में बी टेकन अप फर्स्ट और चलान केस बाद में टेकन अप। उसमें यह होगा कि अगर कंप्लेंट केस में कन्विक्शन हो जाती है तो चलान केस को प्रोसिक्यूटर जो है वो विड्रॉ कर लेगा, और अगर कंप्लेंट केस में एक्विटल हो जाती है तो फिर ऐसी सूरत में जो चलान केस है वो प्रोसीड करेगा। अच्छा अब जी पीएलडी 1966 सुप्रीम कोर्ट पेज 708। अब एक और सरकमस्टांस आ जाता है आपके पास कि एक एफआईआर दर्ज हुई ए बी सी के खिलाफ, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ए को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया और बी और सी को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने भी बी और सी जो है उसको समन नहीं किया एज अक्यूज्ड, तो कंप्लेंट फाइल हो गई, कंप्लेंट में बी और ए बी और सी तीनों समन हो गए। तो यहां पर एफआईआर में और कंप्लेंट केस में सेट ऑफ अक्यूज्ड एक है, एफआईआर में भी एबीसी थे तीन मुलजम, कंप्लेंट में भी एबीसी तीन मुलजम, लेकिन चलान केस में एक मुलजम है और कंप्लेंट केस में तीन है। सेट ऑफ अक्यूज्ड जो है वो एफआईआर उन दोनों में एक है, विटनेसेस वही है, फैक्ट्स वही है। तो यहां पर जो कंप्लेंट केस है और चलान केस कॉग्निजेंस अलग अलग होगा, जो इनिशियल जो है प्रोसीडिंग्स अलग होंगी, समरी ऑफ अक्यूज अलग होगा, कॉपीज अलग अलग मिलेंगी, और फिर उसके बाद जो है एक ऑर्डर पास होगा फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ बोथ द केसेस, दोनों केस एक बना दिए जाएंगे, वो कंप्लेंट केस में या चलान केस में जो है इधर ऑफ द टू वो इसमें तीन केस लॉ जो है वो इस पे मैं आपको लिखा देता हूं। उसमें पीएलडी 1979 सुप्रीम कोर्ट पेज 53, पीएलडी 1979 सुप्रीम कोर्ट पेज 53, ये बुटोस केस है। सेकेंड आप उसमें लिख लीजिए 1980 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 901। तीसरा जो है उसमें वो पीएलडी 1989 लाहौर पेज 18। अब एक और सरकमस्टांस बन सकते हैं आपके, हाँ जी, इसमें जब आप फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले उनको कंसोलिडेट कर देंगे तो देखिए ना, एफआईआर में भी तीनों मुलजम है और कंप्लेंट में वही तीनों मुलजम है,
कुछ और जो है क्यों जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस है वो दोनों की कंसोलिडेट कर दी जाएगी, वो एक ही लिस्ट के कंसिडर होगी। अब कई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें के जो अक्यूज्ड हैं वो छलांग में बिलफर्स थे ए बी सी। जब जो है वो प्रोसीडिंग शुरू हुई तो ए बी सी के अगेंस्ट चलान पेश हो गए और उसके बाद एक कंप्लेंट फाइल हुई जिसमें कि उन्होंने ए बी सी के साथ डी और ई को भी मुंजर कर दिया। अब यहां पर डी और ई जो कि एडिशनल मुलजम हैं बने, उनका आप सेपरेट ट्रायल नहीं कर सकते, एक कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएगी। तो वहां यहां पर भी उन दोनों का केस जो है एट द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की स्टेज पे आप जो है वो कंसोलिडेट कर लेंगे और कंसोलिडेट करके जो एविडेंस है क्यों। एनी अदर क्वेश्चन? तो प्लेट के प्रलेप तो नहीं है लेकिन क्रॉस वर्जन आ गया दोनों पार्टी ने जो है एफआईआर और क्रॉस वर्जन इस बार और आगे सर हमें क्रॉस वर्जन आ जाता है एफआईआर के पास। देखिए क्रॉस वर्शन में आपके ये आएगा कि भी अगर एक शख्स है उसके अगेंस्ट कत्ले अहमद का पर्चा दर्ज हो गया लेकिन उसमें एक कंप्लेनेंट जो है वो अक्यूज जो है वो ही वॉज ऑल्सो बैडली हिट, उसको भी वो जख्मी था और वो बात में ये करता है कि एक क्रॉस कंप्लेंट जो है वो दाखिल कर देता है। तो ऐसी सूरत में पहले व्यूज ये थे कि वो जो कंप्लेंट है अगर वो 324 की है बिलफर्स तो 324 की कंप्लेंट जो है दैट विल बी ट्राइड बाय द मैजिस्ट्रेट और 302 का जो है उसमें केस वो ट्राई होगा इन द कोर्ट ऑफ सेशंस। प्रोसीजर उन्होंने ये रखा था कि जो कोर्ट है वो 324 की प्रोसीडिंग को स्टे कर देगी और 302 की प्रोसीडिंग जो है उनको कोर्ट ऑफ सेशन को कंक्लूड करेगी और उसके बाद जब वो कंक्लूड हो जाएगी तो उसकी जजमेंट जो है 302 की उसको 324 के केस में प्रेजेंट करके तो उनको कहा जाएगा कि जनाब आप इस केस को डिसाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। उसके लिए दो जजमेंट्स थी जो के जिन पे रिलाई किया जाता रहा। वो पहली जजमेंट है पीएलडी 1971 सुप्रीम कोर्ट पेज 713 और दूसरी जो जजमेंट थी उसमें वो 1974 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 140। अब जो है वो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को दोबारा टेकअप किया तो उन्होंने ये होल्ड किया है कि दोनों केसेस कोर्ट ऑफ सेशन में भिजवा दिए जाए और दोनों का ट्रायल साइड बाई साइड किया। तो दिस इज दी लेटेस्ट पोजिशन। अलग मेरे पास एक क्वेश्चन है कि जो हमारे आपका दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ था मेरे पास दरवाज आवाज कट रही थी आपकी। सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पहली कंप्लेंट तो डायरेक्ट बिजनेस
कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं वो मेंटेनेबल है? वो तो मैंने जवाब दे दिया आपको। वो देखिए बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए सर। जहाँ तक उसका ताल्लुक है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का, वो यही था ना आपका कभी कंप्लेंट के मतलब क्या आपने बताया था आपका? हाँ, वो देखिए कि जहां तक कंप्लेंट का है, कंप्लेंट मे बी फाइल ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द अपीयरेंस और साइमल्टेनियसली द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में आल्सो बी लॉस्ट। कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन, वो उसकी सॉरी एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन और कंप्लेंट की प्रोसीडिंग जो साइड बाई साइड चल सकती है, वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। तो अगर एफआईआर दर्ज हो गई है और कंप्लेंट आप फाइल कर देते हैं तो वो इलीगैलिटी नहीं है, वो साइड बाई साइड दोनों चल सकती है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, वो मैं जवाब दे चुका हूँ कि अगर एक कंप्लेंट आपकी डिसमिस हो जाती है तो फ्रेश ग्राउंड पर, फ्रेश एविडेंस के साथ आप दूसरी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और वो मेंटेनेबल है। ठीक है ना, जो डिसमिसल का ऑर्डर है इट इज नॉट एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। एक्विटल के बाद यू आर बार्ड फ्रॉम फाइलिंग ए कंप्लेंट, लेकिन अगर डिसमिसल हुई है डिसमिसल इज नॉट बार्ड बाई। और तीसरा जो आपका सवाल था उसमें मैं यही कहूंगा, वो आपने ये इसमें कंप्लेंट के मुतल कहा हुआ है कि भाई वो क्या था इसमें, हाँ अगर वो रिव्यू पिटीशन आपने फाइल कर दी है और जो चलान केस है उसमें कोई एविडेंस जो है वो और आ जाती है इसमें, तो वो उससे का आपकी कंप्लेंट के जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ अगर जो आपकी रिव्यू एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर आप जो है वो वापस जो है वो केस अगर फर्दर इंक्वायरी के लिए आता है उस वक्त आप वो एविडेंस जो कि उसमें चलान केस में आई हुई हो उस एविडेंस को आप वहां पर पेश कर सकते हैं। किसकी नो लिमिटेशन, इट शुड बी विद द रीजनेबल देखें जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि 99.9% आपको अवॉइड करना चाहिए। देखिए कि क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा जो एक्सपर्ट्स हैं वो करते हैं और उनके सामने एक ऐसा शख्स होता है जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन और उसके आफ्टर इफेक्ट्स उनकी एबीसी को भी नहीं समझता, तो ऐसी सूरत में अक्यूज जो है वो समटाइम्स इस किस्म के जवाब दे देते हैं जिससे कि वो इस केस में इंप्लीकेट हो जाती है। तो ये बिल्कुल ऐसी रस्सी होती है जो जिसको के गले में डालना होता है, बल्कि ये कि आप बड़े सोच समझ के डिफेंस भी दें। ऑलमोस्ट 99% केसेस में जो डिफेंस एविडेंस है वो भी अवॉइड करनी चाहिए कि डिफेंस एविडेंस का वादा हुआ और अक्यूज का अपना वादा हुआ कोई नहीं छुड़ा सकता। जबकि
इसमें एनी एग्री पर्सन जी देखिए जी, ये तो आपको लॉ जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई जनाब आप सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक रहें, ये आपकी जो है वो ऑप्शन। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं पुलिस वालों ने हमारा केस वीक कर देना है और वो प्रॉपर एविडेंस नहीं रिकॉर्ड कर रहे, तो फिर आपके पास कंप्लेंट की ये ऑप्शन मौजूद। वो सिर्फ माइक ले इसको ऑन कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, इसको ऑफ कर। चलो ठीक है, ऊंची आवाज़ है, बुलंद पूछ लीजिए। आप इधर आ जाइए, आप आगे आके जी। आप दोस्तों 202 में देखें, द वर्ड यूज इज इन्वेस्टिगेशन। वो जो इंक्वायरी की है ना, एक्चुअली 202 को देखिए आप, उसमें इन्वेस्टिगेशन लिखो। लास्ट थ्री क्वेश्चंस प्लीज। देखिए इनका क्वेश्चन ये है कि अगर किसी कंप्लेंट में एक से ज्यादा अक्यूज्ड हैं और उनके अगेंस्ट अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन कंप्लेंट केस फाइल होती है और फाइल होने के बाद उसमें अक्यूज जो है वो समन हो जाती है। इनका ये कहना है कि अगर एक अक्यूज के अगेंस्ट तो मटेरियल एविडेंस अवेलेबल है, बाकी के अगेंस्ट एविडेंस नहीं है, तो वो जो वहां पर अक्यूज विदाउट एविडेंस जो है समन हो गए हैं तो क्या करें। उनके पास रेमेडी है सेक्शन 249 और सेक्शन 265 के की। वो बताएंगे मेरे अगेंस्ट कोई केस नहीं बनता, उसके लिए वर्ड्स हैं कि देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस, कि देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस। अगर आप ये प्रूव कर दें यू कैन सेव देम। जी तमन भाई लास्ट क्वेश्चन प्लीज। जी आप क्या कहना चाहते हैं? बात यह है कि आप अगर उसको देखें तो डिसमिसल नहीं लिखा हुआ हो, 247 में डिसमिसल नहीं है, उसका अल्टीमेट जो रिजल्ट है दैट इज एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड।
इसमें आप सब शॉर्ट टाइप लॉ को दीजिए ना, ये देखिए नॉन अपेरेंस ऑफ द कंप्लेंट इफ द समन्स हैज बीन इश्यूड ऑन द कंप्लेंट एंड अपॉन द डे अपॉइंटेड फॉर द अपेरेंस ऑफ द अक्यूज्ड और एनी डे सब्सिक्वेंट देयर टू टू विच द हियरिंग मे बी अर्जेंट द कंप्लेनेंट डज नॉट अपियर द मैजिस्ट्रेट शैल नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग हियर इन आफ्टर हियर इन बिफोर कंटेन acquit the accused, dismissal नहीं है यहां, वो तो चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा वहां द मोमेंट द accused are acquitted. हाँ अलबत्ता ये है कि आप वहां पर अगर देखना चाहें तो provided that where the complainant is a public servant and his personal attendance is not required, the magistrate may dispense with his attendance and proceed with the case. एक और भी है इसमें प्रोवाइजो provided further nothing in this section shall apply where the offence with which the accused is charged is either cognizable or compoundable non compoundable you won't be apply nahi karega aur ek aur cheez main aapko bata dun ki jo session cases mein complainant agar nahi pesh hota to complaint mein accused ki acquittal nahi. Last question, please, bhai. First of all, I must appreciate the effort that I have shown to you in the office here. That they have reached such an invaluable lecture. मैं मान का शुक्रिया अदा करें. मैंने क्या किया? When you were a judge, you were most unassuming and prolific judge. And mashallah, the lawyer, you are an ideal for many. This is my submission. ये है. बहुत गहरू क्वेश्चन सवाल पूछे पूछना चाहूंगा कि नॉर्मली आप जो जज भी रहे हैं बहुत आइडियल लॉयर भी हैं तो नॉर्मली लॉयर के सामने क्या कोर्स ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि जब वो महसूस करता है कि मेरी बात अदालत सही अंदाज में सुन लेती है या मुझे पेशेंट कह रही है तो आप वैसे जज वैसे लॉयर क्या समझते हैं तो व्हाट इज द राइट वे ऑफ मैं दो लफ्ज कहूंगा आपसे हार्ड वर्क एंड यू शुड बी सबमिसिव. फैसला तो उन्होंने ही किया. जितने प्यास से आप अपनी सबमिशंस जो है वो कोर्ट के सामने करेंगे कोर्ट इतनी ज्यादा उससे मुतासर होगी. और एक और मैं देखिए मेरे पास सुने दुखे दिल के साथ और विद हैवी माइंड आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो एग्रेशन हमने अपना ली है खुदा के लिए इसको अपनी सफों से निकाल दीजिए. देखिए ये एक प्रोफेशन था जिस जो कि कभी किसी वक्त में किसी शख्स की इंसानियत ला अबाइडिंग उसकी निशानी समझी जाती थी. और कोर्ट के सामने जहां पर आपने झुक के वो कर दिया वहां पे क्या रह जाता है? जो वहां पर बैठे हुए हैं पर्संस उनकी कोई वो नहीं होती. आपने रिस्पेक्ट करनी है तो चेयर की करनी है. प्लीज मेरी आपसे बड़ी दस्त बस्ता गुजारिश है कि वो जो हालात हमने अपने हाथों से ये बिगाड़ दिए हैं उनको वापस ले आइए. कोर्ट्स को मजबूर कीजिए कि वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ आपके साथ जो है वो हम मेहनत करें और मेहनत करने के बाद जो है वो उसको करें इस इन कोर्ट्स को मजबूर करें कि कानून जो है वो उसको अपने सामने रखें. देखिए मैं उन वकला में से हूं जिन्होंने
जीरो से जो है वो अपना स्टार्ट लिया, और फिर उसके बाद जो इसमें जो है वो अरूज वो भी देखा। तो मैंने चूंकि वकालत की इब्तदा में जो तकालीफ हैं उनको खुद देखा हुआ था, अपने जो है वो उनको बर्दाश्त किया हुआ था, तो मैं जब मेरी कोर्ट में कोई पर्टिकुलरली यंग लायर आता था तो मैं उसको ये कहता था कि यार अगर इसको नहीं आता तो मैं इसको बताऊं, अगर इसने मेहनत की है तो इससे सीखूं, चाहे वो यंग है लेकिन अगर उसने मेहनत की है तो मैं उससे सीखूं। नतीजा तुम ये देखिए कि दो साल में मेरे उससे तेरह में मेरे भाइयों ने जो है इस बात ने मेरी बात ने मुझे वो इज्जत दी कि मैं उसको फरामोश नहीं कर सकता, और उसी स्टेटस को आज यूज करते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने अंदर जो एग्रेशन है वो उसको खत्म कर दीजिए। यकीन जानिए कि आपका प्रोफेशन जितना नोबल प्रोफेशन है ये इसका सब्स्टिट्यूशन कोई नहीं है, और जितनी ताकत आप लोगों में है वो उसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच।